फिल्म इंडस्ट्री से एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। उड़िया सिनेमा के मशहूर एक्टर रायमोहन परिदा का निधन हो गया है। कहा जा रहा है कि एक्टर ने आत्महत्या की है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि एक्टर की मौत कैसे हुई है। रायमोहन का शव उनके भुवनेश्वर स्थित घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ बरामद हुआ। जब इसकी खबर पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मौत के कारणों की जांच के लिए एक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस इस मामले में फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। यही वजह है कि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने फांसी क्यों लगाई। एक्टर का पोस्टमार्टम भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं उनके निधन की खबर सुनते ही सैकड़ों फैंस और जान पहचान के लोग बहुत दुखी हैं। उनके घर के सामने और हॉस्पिटल के बाहर भी फैंस भारी संख्या में जुटे हैं। एक्टर के तमाम फैंस उनकी आत्महत्या की खबर से आहत हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके कुछ फैंस ये लिख रहे हैं कि एक्टर ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उन्हें मारकर फांसी पर लटका दिया गया। रायमोहन परिदा 59 साल के थे। अपने पीछे वो पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए हैं। खबर है कि बेटी को उन्होंने आखिरी मैसेज बाय भेजा और फिर खुदकुशी कर ली। उनके आत्महत्या करने से परिवार के लोग सदमे में हैं। वहीं पिता के गम में रो रो कर बेटियों का बुरा हाल है। 10 जुलाई 1963 को रायमोहन का जन्म उड़ीसा के क्योंझर में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1985 में उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। करीब 100 से ज्यादा फिल्मों का वो हिस्सा रहे। देखा जाए तो उड़िया भाषा की फिल्मों में रायमोहन परिदा का बड़ा नाम रहा है। सागर फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले रायमोहन ने बंधना, असिबू केबे साजी मोरानी, तू थिले मो दारा कहाकू, छाती चीरे देले तू जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। रायमोहन परिदा की पॉपुलैरिटी इसलिए भी ज्यादा थी कि उन्होंने फिल्मों के साथ ही उड़िया टीवी पर खूब काम किया है। वो थिएटर से भी जुड़े थे। उन्होंने उड़िया के साथ ही 13 बंगाली फिल्मों में भी काम किया। रायमोहन परिदा को उड़ीसा राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें अभिनंदिया पुरस्कार भी मिला था। रायमोहन परिदा के निधन से उड़िया और बांग्ला सिनेमा में शोक की लहर है। वहीं कई मशहूर नेताओं और एक्ट्रेस ने भी शोक जताया है। रायमोहन परिदा की खुदकुशी ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं जिसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार से पूछताछ के बाद ही सामने आएगा। देखा जाए तो पिछले 2 सालों में कई एक्ट्रेस ने मौत को गले लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन का गम उनके तमाम फैंस आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो वहीं पिछले दिनों बांग्ला सिनेमा की 3 एक्ट्रेसेस ने आत्महत्या कर ली। सबसे पहले 15 मई को कोलकाता में एक्ट्रेस पल्लवी डे का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। वहीं इसके कुछ दिन बाद कोलकाता के दमदम स्थित फ्लैट से मॉडल विशिदा डे मजूमदार का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। और उसके ठीक 24 घंटे बाद विदिशा और पल्लवी की सहेली 26 वर्षीय मंजुषा नियोगी का शव भी सुबह उन्हीं की तरह फांसी के फंदे पर लटका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट E24।